हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप जैसे कि आप देख के ही समझ गए होंगे आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, आज मैं बनाऊंगी बर्गर। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक खीरा ले लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और साथ ही मैंने ये टिक्की बनाई थी। और इसकी भी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। ये मैंने दिन में ही बना के रख ली थी, अभी इन्हें थोड़ा सा और सेक लेंगे। और ये है रेड वाली केचप, और इसके लिए लिया है मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस और थोड़ी सी है वेज मेयोनीज। ठीक है, और इधर मैं कर रही हूँ अपने बटर को गरम। इसे हम बटर से सेकेंगे और इसे भी थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। तो मैं इसकी रेसिपी आपको भी दिखाती हूँ, बहुत ही ईजी है और बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। तो गैस जब तक इधर ये गर्म हो रहा है, साथ ही साथ मैं इधर इसको कट कर लेती हूँ स्लाइस में। तो गैस ये देखिए, मैंने स्लाइस कर ली है कट। और अगर आपके पास पनीर है तो आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं ही डालूंगी। और इनको भी हम बीच से भी कट करेंगे, पहले हम इनको सेक लेते हैं। तो गैस ये देखिए, मैं पहले टिक्की को अच्छे से सेक लेती हूँ बटर में। इन्हें मैंने दिन में ही बना के थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, तो ये ठंडी हो गई है क्योंकि मैंने इन्हें फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि गर्मी हो रही है। तो अभी इसे दोबारा से मैं वो कर रही हूँ। गाइस ये देखिए, ये अच्छे से सिक चुकी हैं, अभी मैंने अलग कर लेंगे। काफ़ी क्रिस्पी भी हो गई हैं ये देखिए। तो इन्हें अब हम हटा लेंगे इसमें से और इसमें हम रखेंगे बर्गर। अब इसमें हम थोड़ा सा और बटर डालेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा और लगा लेंगे हम बटर। तो गाइस ये देखिए, ये सेक चुके हैं हम और इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर हम ये मेयोनीज वगैरह डाल के इसको भरेंगे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले इसमें मैंने बर्गर वाली मेयोनीज लगाई है और इसके ऊपर हम रखेंगे खीरा। ये हमारा प्याज हो गया, हम इसके ऊपर मेयोनीज डालेंगे। तो गाइस इसके ऊपर मैंने ये टिक्की रख दी थी और ये मेयोनीज लगाई है। अब हम इसको कर देंगे बंद। और ये मेरा बर्गर बनके हो चुका है रेडी, ये देखिए। ऐसे ही हम सारे बर्गर को तैयार करेंगे। और साथ ही इधर मेरी चाय भी बन रही है और ये थोड़े से मैंने ब्रेड गरम कर लिए थे, तो हम ब्रेड के अंदर भी टिक्की भर के बनाएंगे। इसको भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो फाइनली गाइस ये बन के हो चुके हैं मेरे रेडी। और ये देखिए, मैं इनकी स्टफिंग दिखा देती हूँ आपको। और ये मैंने जो ब्रेड की स्लाइस निकाली थी उनसे भी मैंने बनाया है। और ये मेरी चटनी है, ये रेड वाली, ये ग्रीन वाली, ये देखिए। तो गाइज़ अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको टिक्की की रेसिपी और ये रेड वाली चटनी की रेसिपी भी बताऊंगी। इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ इसे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।